और हल्द्वानी में पिछले 34 दिनों से प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रॉपर्टी डीलर और किसानों के बीच आज बीजेपी के जिला अध्यक्ष पहुंचे, जहां पर धरने पर बैठे लोगों की बातें सुनी और उनसे समाधान के लिए आग्रह किया है। दरअसल हल्द्वानी में प्राधिकरण द्वारा रेरा एक्ट को प्रभावित किए जाने को लेकर पिछले दिनों से लगातार कवायद की जा रही है। इसके विरोध में हल्द्वानी शहर के आसपास के इलाकों के किसान और प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध के बीच प्राधिकरण रेरा से संबंधित कार्यशाला को दो बार टाल चुका है। अब कार्यशाला 25 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इस बीच बुधवार को क्रमिक आंदोलन जारी है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमें अच्छा भी लगा कि प्रतिनिधि के रूप में आज हमें 37 दिन होने को जा रहे हैं, 5 दिन यहाँ हर दिवसीय धरने पर होने को जा रहे हैं, पर अच्छा लगा। किसानों के मन में एक उत्साह बढ़ा कि कहीं ना कहीं से कोई आश्वासन हमें मिला है और शीघ्र ही में निराकरण करने की बात कही है और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने सुलझी हुई बात करी है। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम आपकी मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराएंगे। देखिए, हमें मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी करनी है और अपनी वही डोर टू बात करनी है। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और यदि कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके पास जा करके उनकी जायज मांगों पर चर्चा करना हमारा कार्य है। इस निमित्त मैं आज अपने किसान के जो आंदोलनरत भाई हैं इनके साथ बैठा और इनसे चर्चा करी और निश्चित तौर पर इन समस्याओं का कैसे निराकरण हो, समस्याओं के साथ साथ एक कैसे अच्छे नियोजित विकास को हम जमीन पर ला सकें, धरातल पर ला सकें, जिससे कि जनता का फायदा हो, इस दिशा की ओर के हमने बात करी है। हमने कहा कि आप लिखित में विकास का एक मैप हमें बना करके दीजिए जिस पर हम शासन पर जाकर बातचीत करें और आपका प्रतिनिधिमंडल यदि कोई आता है